ज्यादा है। सोना तोल रहे हो क्या? ज्यादा है पंडित जी, ज्यादा हो रहा है पंडित जी। एक और रखो। मान गए पंडित जी, लाओ। ये लो भाई, लो। डंडी मार रहा था। पैसे लेंगे ज्यादा और माल देंगे कम। तुम नहीं बदलोगे अंबिका प्रसाद। अरे इतनी सारी दौलत क्या छाती पे लाद के ले जाओगे? अरे कुछ खर्चो, आनंद लो जीवन का। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं। और यहाँ सारी गृहस्थी को मैं अकेला ही संभालता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या अच्छे आम है, आचार के लिए ले ले थोड़े से। निकालो पैसे। नहीं। अरे निकालो ना। चल। गृहस्थी का बोझ बढ़ेगा, वक्री शनि के कारण चोरी का भय और अचानक धनहानि होने की संभावना है। कोई नया मेहमान आ सकता है। और बस करो महाराज, पहले से 5 मेहमान आ चुके हैं। गप बसा, कहाँ 125 रुपया? ये लो 125 रुपया। आहा, क्या सच्ची भविष्यवाणी बताई, अचानक धन हानि और गया 125 रुपया। दिखाए हम भी। क्या बचपना करवे। पूरा नाम? मधुकर करवे। मधुकर करवे। मिठू हाथ मधे चला। 3 साल तक कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम प्रसंग की संभावना है। क्या बचपना है यार। काढ़ा 125 रुपया। चलो भी। 250 रुपए। अंबिका प्रसाद। क्या? अंबिका प्रसाद मिश्रा। अंबिका प्रसाद मिश्रा। अंबिका प्रसाद मिश्रा जीवन रेखा कर्म रेखा से जुड़ी है और 14 साल की आयु से मैं काम ही कर रहा हूँ। टोकू नका, जब तक काम करते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे, जब विश्राम की सोचोगे तो सदा सदा के लिए विश्राम करना पड़ेगा। क्या? गप बसा, कोई नया चमत्कार होगा, कुछ दिन और जिंदा रहोगे। चलो यार, पता चला। मूड खराब हो गया। जीवन रेखा कर्म रेखा से जुड़ी है। यार करवे, तुम भी हक करते हो कभी कभी। यानी आपको और कोई नहीं मिला था, सिर्फ एक सड़क छाप ज्योतिषी। जब तक काम करोगे जिंदा रहोगे। आ गए? सठिया गया है हमारा करवे, सठिया गया है। अब उसके साथ मैं कभी बाजार नहीं जाऊंगा। 50वीं बार कह रहे हो, कल फिर उनके साथ जाओगे? ठीक है ठीक है, कल ही वकील को बुलवाकर वसीयत करवा देता हूं। वसीयत? पर हुआ क्या? भाई हुआ ये कि अच्छा खासा मैं भाजी लिए चला रहा था कि करवे ने एक तोते वाले से भिड़वा दिया। और पता क्या कहता है? कहता है कि जब तक काम करोगे जिंदा रहोगे। क्या? अब बताइए, तुम्हें मालूम है कि कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूं, तो हो गई ना छुट्टी। मगर ये घबराओ नहीं वेणी की मां, इस कसम की ये सड़क छाप ज्योतिषों की बातें सच निकलने लगी तो हो गया कन्या। जाओ देर हो गई है, खाना लगाओ। वेणी कहां है? कॉलेज गया है। अच्छा ओके वेणी प्रसाद मिश्रा, इट्स योर टर्न नाउ।
What is your diagnosis? Sir, the patient, Kaluram, male, 30 years of age, is suffering from rheumatic heart disease with mitral stenosis and mitral incompetence. And he is in cardiac heart failure. Very good. What is your treatment? Sir, पहले तो हम इन्हें कार्डियक हार्ट फेलियर के लिए ट्रीट करेंगे साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे और ठीक हो जाने के बाद कार्डियक सर्जरी के लिए कंसीडर करेंगे वेरी गुड दैट्स ऑल फॉर द डे बॉयज कम कालूराम जी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे फिक्र की कोई बात नहीं जी हाँ कैसी तबीयत है माँ इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है पहले ही इतना खर्च हो चुका है ऊपर से इतना सब कुछ बेटी तुझे मेरे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है माँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं देखो अब पिंकी बीए कर लेगी तो पैसों की क्या फिक्र तुम इस तरह चिंता करती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी बिगड़ कैसे जाएगी मेरे रहते लेकिन हाँ माँ जी इनकी एक बात बिल्कुल ठीक है आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बेटे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी उस दिन तुमने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाने में मदद ना की होती तो बेटे मैं अब तक दम तोड़ चुकी होती क्या बातें करती है माँ जी मैंने क्या किया आपका केस इतना सीरियस था एडमिशन तो आपका हो ही जाता हाँ शायद मेरी वजह से थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन एक बात तो सोचिए इस वजह से आप जैसे भले लोगों से मिलने का मौका तो मिला कैसी हो माँ अच्छी हूँ बेटी माँ अब पिंकी आ गई तो मैं वापस ऑफिस जाती हूँ अच्छा। पिंकी तुम शाम तक यहीं रहना अच्छा अच्छा माँ जी मुझे भी इजाजत दीजिए आप आराम कीजिए अच्छा बेटे कुछ खाया माँ अभी बुलाता हूँ पंडित जी आपको साहब बुला रहे हैं अच्छा मैं अभी आता हूँ अच्छा पंडित जी मैं भी आपके साथ रुकूं डैड पंडित जी गुड नाइट नहीं दीपक तुम्हारे रुकने की क्या जरूरत है तुम रोजाना रुकते हो आज तुम्हारी बेटी की सालगिरह है तुम जाओ अच्छा जी मैं सब संभाल लूंगा बैठिए पंडित जी बैठिए माफ कीजिए ऑफिस खत्म होने के बाद आपको तकलीफ दे रहा हूं साहब इसमें तकलीफ की क्या बात है ये तो मेरा काम है कहिए क्या काम है देखिए इन फाइलों पर अगर कल तक डिसीजन न हो यह तो बड़ा नुकसान हो जाएगा लाइए मुझे दीजिए इन पे मैं रातों रात काम करके इनको निपटा दूंगा मुझे यकीन था पंडित जी कि आप इसे जरूर पूरा कर देंगे पर सोच रहा हूं कि आपके जाने के बाद इस ऑफिस का होगा क्या साहब आपको कोई दूसरा अंबिका प्रसाद मिल जाएगा इस दुनिया में कोई काम किसी के बिना रुका है फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा पंडित जी कि इस बार एक्सटेंशन लेने से आप मना क्यों कर रहे हैं अरे साहब अब बहुत हो गया अब बहुत काम कर लिया अब किसी नए लड़के को चांस दीजिए ये जैसे अपना दीपक है ना बड़ा मेहनती लड़का है रातों दिन काम में जुटा रहा है मेरे साथ ये मेरी गैर हाजिरी को बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा इसका मतलब आपका मन पंडित जी हम लोगों से उब गया है ठीक ना ना साहब ये ना कहिएगा आपने और आपके पिताजी ने जो मुझे इज्जत और प्रेम दिया है उसको मैं भूल सकता हूँ कभी मगर मैं अब आराम करना चाहता हूँ एक छोटी सी जमीन ले ली है और जो फंड वगैरह आपसे मिलेगा उससे एक मकान बनवा लूंगा और उसमें पड़ा रहूंगा अब मेरा वेणी डॉक्टर बन जाए बस यही एक इच्छा रह गई है जैसी आपकी मर्जी तो मैं चलूं चलिए बाजी हो जाए मिश्रा क्या एक बाजी हो जाए नहीं यार बहुत काम करना है तुम नहीं सुधरे पंडित अरे काम काज तो होता ही रहेगा मगर तुम्हें गलत फहमी है कि तुमने एक दिन काम नहीं किया तो सारी दुनिया का कारोबार ठप हो जाए अरे हंसना खेलना भी सीखो मेरे दोस्त तुम तो कह गई है
कोई काम धाम है नहीं, यहाँ नौकरी करनी है। नौकरी? नौकरी तो ऑफिस में होती है पंडित जी, कभी कभी हम लोगों के साथ भी खेल लिया करो, आज हो जाए एक बाजी, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी बाजी, तुम्हें मुबारक। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदर नहीं भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। माँ जल्दी से खाना खिलाओ, बड़े जोर से भूख लगी है। उठो उठो, क्योंकि मैं खाना खाना है तो धोती पहन के आओ, मगर पहनेंगे कैसे? इतनी बार सिखाया है, रोटी पहननी आए तो ना। वेणी तुम अपने कमरे में जा, मैं वहीं ला कर देती हूँ खाना। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा इसको। जमाना बदल गया, तुम नहीं बदले। अरे वाह, अरे अनहोनी हो गई विद्याधर। क्या हुआ? अरे चक्का था, चक्का मिल गया। ये करवे और उसकी चंडाल चौकड़ी रात को भी चैन नहीं लेने देती। देखा है बेणी को? देखे बिना चैन नहीं पड़ा ना। आज शाम को बेचारे को डांट दिया था, मन को बुरा लग रहा था। सोचा वीपी भाई किसका वीपी आया है? वीपी नहीं अंकल, हम वेणी प्रसाद को बुला रहे थे। वेणी प्रसाद को? अच्छा अच्छा अच्छा, वीपी। लो आ गए तुम्हारे मिस्टर वीपी। ये वेणी प्रसाद से वीपी कब से हो गया? पिताजी वो कॉलेज में मेरे दोस्तों ने, हमारे पिताजी ने तुम्हें अच्छा खासा नाम दिया था,
वेणी प्रसाद मिश्रा, उसका वीपी हो गया। सुनो, क्या कर रहे हो? अच्छा जाओ ना, इंतजार कर रहे हैं लड़के। यार बेटे, तेरे पिताजी तो बहुत गुस्से वाले हैं, चल बैठ चल। अरे सुपर्णा, तुम क्या बात है, माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आज डॉक्टर साहब उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने सोचा आखिरी बार आपका शुक्रिया तो अदा कर लूं, फिर शायद ही मुलाकात हो। इसका मतलब कल से तुम नहीं आओगी? सोच रही होगी कितना बेतुका सा सवाल है। नहीं, न जाने क्यों कभी कभी किसी सवाल का जवाब जानते हुए भी बताने का मन नहीं करता। मुझे मेरा जवाब मिल गया सुपर्णा। सुपर्णा, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुपर्णा, मैं आज तुम्हारा इंतजार करूंगा, बाद में। अरे भाई दीपक, वो कोटेशन हुए? वही तो कर रहा हूँ पंडित जी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता? मिनटों के काम में घंटों लगा रहे हो, यही तो खराबी आजकल के लोगों की, कि काम में मन ही नहीं लगता। और कैसे मन लगाऊं, रात दिन तो जुटा रहता हूँ, रोज आधी रात को घर पहुँचता हूँ, अब क्या जान दे दूं? तो जान देने को कह रहा हूँ मैं तुमसे, कसाई हूँ क्या? हद हो गई, अब मैं इस दफ्तर में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, रिजाइन कर रहा हूँ। आप क्यों रिजाइन करेंगे? मैं ही नौकरी छोड़ देता हूँ, कम से कम रात दिन के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। लाओ, मैं ही खरीद देता हूँ, लाओ। आप रहने दीजिए पंडित जी, मैं अभी निपटा देता हूँ। लाओ ना पंडित जी। हाँ, साहब बुला रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आता। साहब आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? क्या हुआ, मैं समझा नहीं आपका मतलब। मैं दीपक के बारे में कह रहा हूँ। आप तो उसकी तारीफों के पुल बांधा करते हैं। और वो देखिए पंडित जी, इस तरह की बदतमीजी मैं अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सोचा है कि उसे फौरन। ना 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 साहब, ये ना कीजिएगा। इसमें हुआ क्या, जहाँ चार बर्तन होंगे वहां वो कभी खड़केंगे भी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दीपक एक बुरा लड़का। लेकिन आप बुरा मानने की जगह उसकी सिफारिश कर रहे पंडित। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है पंडित जी। जी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अच्छा सुपर्णा, बिछड़ने का मन तो नहीं करता लेकिन मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है डॉक्टर साहब, अंदर आइए, मैं माँ से बिल्कुल नहीं कहूंगी। पिंकी। अच्छा सुपर्णा, चलता हूँ, कल कब मिलोगे? कल शाम को वही। पिंकी की बच्ची। अच्छा कल मिलेंगे, अब बताती हूँ। जी बात अभी भेजता हूँ। दीपक जी, साहब बुला रहे हैं तुम्हें। मुझे? जी हाँ, आपको। मुंह क्या ताक रहे हैं, जाइए ना, जाइए जी। मैं एक कमेंट सर। कमेंट दीपक जी। मैं पंडित जी तुम्हारी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उस रोज गुस्से में आकर मैंने पंडित जी को। नॉनसेंस, मैं तो ये कह रहा था कि पंडित जी तुम्हारी बड़ी तारीफ करते रहते हैं, वो आज से रिटायर हो रहे हैं और उन्हीं की सिफारिश पर तुम्हें उनकी जगह प्रमोट किया जा रहा है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। मन लगाकर काम करना ताकि उनके विश्वास को ठेस न पहुंचे। यस सर। पंडित जी आज आप रिटायर हो रहे हैं और बताया भी नहीं। तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे, ये सोच रहे होगे कि अच्छा हुआ बला डली, बहुत हैरान करता था बुट्टा, सारे वक्त काम लाता रहता था। क्यों? अब और शर्मिंदा न कीजिए पंडित जी, मैं आपके दिल को समझ नहीं सका। ये देखिए आपकी उसी डांट फटकार की बदौलत आज मुझे ये प्रमोशन मिल रहा है। अगर आप ना होते तो मुझे मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? इसमें मैंने क्या किया? तुमने मेहनत की, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। वाकई पंडित जी, आप तो सचमुच रिटायर हो रहे हैं। हम तो समझे थे सर आपको फिर से एक्सटेंशन मिलने वाला है। ना भैया, अब बहुत काम कर लिया, अब नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। अब तो पार्टी हो जानी चाहिए। पंडित जी को छोड़ने का मन तो आज भी नहीं हो रहा, मगर ये चाहते हैं कि दीपक जैसे नए लोगों को ऊपर आने का मौका मिले। पंडित जी मेरे डैडी के जमाने की वो कड़ी है जो आज टूट रही है। इन्होंने मेरे डैडी के कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस कंपनी को खून पसीने से सींचा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु दे। करवे आज अकेले ही अकेले कहां गई तुम्हारी चंडाल चौकड़ी? हाँ यार, आज कोई आया ही नहीं। कहीं कोई किसी के यहाँ गया हुआ है या किसी के यहाँ कोई आया हुआ है? अपना तो कोई सगा है नहीं कि कोई आए या हम ही कभी किसी के यहाँ चले जाएं। ये ताश के पत्ते हैं, ये हमेशा अपना मन बहलाए रखते हैं। तुम्हारा जी नहीं उठता? उबता है मिश्रा, बहुत उबता है। तुम क्या समझते हो, हर वक्त ताश खेलते रहना मुझे अच्छा लगता है, पर क्या करूं, जीने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए। वेनी छोटा सा था तो उसके साथ दिल लगा रहता था, आज भगवान की कृपा से वो भी बड़ा हो गया है। कमबख्त मौत ही नहीं आती कि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। दिल छोटा ना करो करवे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। एक रास्ता है, खुदकुशी कर लो। छी 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 छी, अरे तुम्हें मेरी उम्र लगे, तुम जैसा हमदर्द दोस्त मिलता है कहीं? अगर तुम्हारे यहां लोग नहीं आते तो कोई चिंता नहीं, हम मिलजुल के बैठेंगे। कल से हम दोनों जम के बैठेंगे। और तुम्हें मालूम है कि आज से मैं भी तुम्हारा जोड़ीदार हो गया हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि आज नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, यानी कि रिटायरमेंट। ये बात भी ना यार,
फिर कल से क्यों? आज से ही बैठक जमाते हैं तुम्हारे घर में। चलो भाभी से कहो चाय बनाए, मैं अभी आता हूँ। ये बात बढ़िया है, खूब जमेगी अब। वाह करवे, अब तो पक्के जोड़ीदार मिल गए। चलो शांति जी, अभी आई। बहुत थक गए। हाँ शांति, आज कुछ मन भारी भारी सा है। इतने बरसों तक उस ऑफिस में काम करते रहे ना। शांति, आज तुम उस ऑफिस की पार्टी में होती तो बड़ा जी खुश होता तुम्हारा। और क्या क्या लोगों ने कहा, बड़ी तारीफें की। और हमारे साहब तो इतने खुश थे। अभी नहीं, पहले तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ। फिर बैठ के पूरी बात सुनूंगी। अच्छा, और शांति जी, दो कप लाना, अपना करवे भी आ रहा है। ओ, अच्छा। मैं आलू के पराठे बड़े दिन से नहीं बना। आलू के पराठे और लौंजी कल बनाऊं? कल क्यों, आज नहीं बन सकते? मैं अंदर आऊं? लो करवे भी आ गया, आओ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मेरी राह तो कोई नहीं देखता, हर आदमी मुझे टालने की कोशिश करता है। कौन है आप? आपको कौन चाहिए? अंबिका प्रसाद मिश्रा। इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मैं जीवन में एक ही बार मिलता हूं, अंतिम क्षण। मतलब? मैं मृत्यु हूं। मृत्यु? हाँ, मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूं। विलंब हो रहा है, चलो। ये कैसे हो सकता है भाई, 14 साल की आयु से मैं काम ही काम करता आया हूं और अब मैं रिटायर हुआ हूं। अब मेरे आराम का कुछ वक्त आया है और तुम कहते हो चलो। पूर्ण विश्राम के लिए ही तुम्हें ले जा रहा हूं। देखो ऐसा ना करो, मेरी तुमसे एक विनती है। कहो, पर सिर्फ 8 पल, इतना ही समय है। ठीक 8:13 पर चलना ही होगा। लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी दो ही तो तमन्ना है, एक मकान बनवाना और दूसरा वेणी को डॉक्टर बनाना। उनमें से तो एक भी तमन्ना पूरी नहीं हुई। देखो ऐसा करो, मुझे कुछ समय चाहिए, सिर्फ 3 साल। पर्याप्त होंगे 3 वर्ष, इच्छाएं तो अनंत होती हैं अंबिका प्रसाद। देखो मुझे सिर्फ 3 साल और जिंदा रहने दो,
ये जितना फैलावा है ना उसको समेट लेने दो, वरना कोई भी सुखी नहीं रहेगा, न वेणी न शांति। देखो ऐसा करो, वो किसी ऐसे आदमी को लो जिसकी सारी इच्छाएं तमन्नाएं पूरी हो चुकी हो, जो जिसका मन भर चुका हो। मुझे एक आत्मा तो ले जानी ही है इसी क्षण। तुम्हारे मित्र करवे के 3 वर्ष बाकी हैं। हाँ करवे, करवे, उसकी कोई हसरत बाकी नहीं रही, वो तो तुम्हारा इंतजार करता है, वो तो इसी वक्त तुम्हारे साथ चलेगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए करवे की आत्मा तुम्हारे शरीर में रखता हूं, लेकिन याद रहे आज से 3 वर्ष के बाद इसी समय मैं यहां आऊंगा, तैयार रहना। क्या हुआ पिताजी? पिताजी माँ, क्या हुआ इन्हें? माँ लगता है हार्ट अटैक है। पिताजी कहाँ हूँ? अब कैसी तबीयत है आपकी? शांति, तुम? मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। तुम बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो एक वहम था, एक सपना, सच नहीं था। वहम, सपना, क्या सच समझ बैठे? अरे शांति, तुम एक भयानक सपना न जानो तो अच्छा है। वेणी कहाँ है? कल रात करवे भैया की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वहां गया है। क्या 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 हुआ करवे को? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। तुम कुछ मुझसे? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। क्या हुआ करवे को? बिल्कुल बोलना नहीं। पिताजी, वेणी आ गया। वेणी जी, करवे को क्या हुआ? पिताजी आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। तुम दोनों को छिपा रहे हो मुझसे, करवे को क्या हो गया? देखिए, बोलने से भी स्ट्रेन पड़ता है। अरे तो मैं खुद जाके देखता हूँ। पिताजी अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, हम लोग सीधे शमशान घाट से आ रहे हैं। कल रात 8:13 पर करवे चाचा
सपना नहीं था, सच था। हटो हटो। पिताजी जाने दो मुझे। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने दो। पिताजी अपनी तबीयत का तो ख्याल कीजिए। अरे बहुत से काम करने हैं। क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। पिताजी आप ठीक? मुझे बहुत से काम करने हैं और समय बहुत कम है। मिश्रा जी, आप जैसा प्लान चाहते हैं वैसा बन सकता है, पर आज के आज कैसे पॉसिबल है? कुछ समय तो दीजिए। बेटे देखो, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जमीन मेरे पास है। ये नहीं हो सकता कि एक ब्लूप्रिंट तुम आज ही बना दो? मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक भूमि पूजन हो जाए। कोशिश तो करो। जस्ट वेट, मैं देखता हूं। मेरे पास कुछ रेडीमेड प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी हैं। अच्छा, आप इनमें से कोई पसंद कर लीजिए। दिखाइए। देखिए। तो देखते आप ये देखिए, आप ये देखिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, पसंद आया आपको? हाँ। ये आपका सोने का कमरा, ड्राइंग अच्छा। रूम बैठक। हाँ। ये खाना बनाने का कमरा, और ये पूजा रूम बन सकता है? बन सकता है। शांति शांति, ओ शांति, ये देखो, ये रहा हमारा नया घर। आप हंस क्यों रही हैं? पता नहीं कहां से कागज उठा लाए और कह रहे हो ये हमारा घर है। अरे भाई, ये हमारे नए घर का प्लान है। प्लान? हाँ, नक्शा। ये देखो, ये रहा बरामदा, ये रहा दफ्तर, ये बैठक, ये रसोई, ये पूजा करने की जगह, ये वेणी का कमरा, और ये हमारा और तुम्हारा प्राइवेट रूम। चलो हटो। वेणी की माँ, लगता है कि मेरी जिंदगी में आराम तो लिखा ही नहीं है। सोचता था कि अब काम नहीं करना पड़ेगा, मगर क्यों भाई? प्रोविडेंट फंड जो मिल रहा है, सोचता था कि वो वेणी की पढ़ाई में और मकान में लग जाएगा। आज मालूम हुआ कि वो सारे का सारा पैसा मकान में लग जाएगा, तो वेणी की पढ़ाई का क्या होगा? तो क्या हुआ, वेणी कमाने लगे तब मकान बना लेना। नहीं, इतना समय नहीं है, मुझे एक नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। जाइए मिश्रा जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। सर जी, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि मैं आपकी फर्म ज्वाइन कर लूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अब देखिए पंडित जी, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। मैंने उस वक्त आपको इसलिए बुलाया था कि आप अपनी फर्म रामनाथ एंड सन्स की पूरी जानकारी मुझे देते रहते, पर अब तो आप वहां का काम छोड़ चुके हैं। मैं समझा नहीं आपका मतलब। मतलब बिल्कुल साफ है, मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन रामनाथ एंड सन से ही है। आप उनके प्राइवेट डीलिंग की खबर मुझे देते रहते तो मैं आपको बड़ी रकम तनख्वाह के तौर पर देता। खैर, मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ, मगर अब तनख्वाह आधी होगी। अच्छा। उनके टेंडर पास होने की खबर मुझे देनी पड़ेगी। खबर आपको देनी पड़ेगी? जी हाँ। वो राज आपको मालूम हो जाए? बिल्कुल। तो बाहर में जाए आपकी नौकरी? आप मुझसे नमक हरामी के लिए कह रहे हैं? जिस कंपनी का मैंने नमक खाया है, मैं भूखों मर जाऊंगा इससे पहले कि मैं आपकी नौकरी करूं।
आज अपने नए मकान का भूमि पूजन है करवे। कितना अच्छा होता अगर तुम भी मौजूद होते। तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या किया है? अपनी जिंदगी भी दे के मुझे जिंदा देखने का दावा करने वाले मक्कार, तूने मेरी ही जिंदगी के 3 साल छीन लिए और कहता है मैंने क्या किया है। वाह मिश्रा वाह, खूब निभाई दोस्ती तूने। वो करवे भाई अब हाँ हाँ वो तो तुमसे उस बूढ़े ने कहा था, मगर तुम इनकार तो कर सकते थे। मगर तुम क्यों मना करते? तुम्हें तो हर कीमत पे जिंदा रहना था, चाहे किसी की भी जिंदगी छीन के, और वो जिंदगी तुम्हारे अजीज दोस्त की ही क्यों ना हो। नहीं करवे, तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। तुम किसी को नहीं चाहते मिश्रा, सिर्फ अपने आप को चाहते हो। तुम एक खुदगर्ज मौका परस्त इंसान हो। ये घर बनाने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मुझे है हक, ये घर मेरी जिंदगी की तमन्ना है और इसे मैं बनवा के ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लालवानी साहब अभी भी इन पुट्ठों में दम है। वो सब तो ठीक है, हम आपको काम पर रख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ कायदे कानून थोड़े सख्त हैं, उनका आप ख्याल रखिएगा। आप भी खुश और हम भी खुश। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैं आपको किसी बात की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ऐसा कीजिए, आसे काम शुरू कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू। पाटिल। यस सर। मिश्रा जी को इनकी सीट दिखाओ। आइए। अच्छा, ये रही आपकी सीट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। घंटे पहले चाय रख के गई थी, अभी तक वैसी की वैसी है। दोपहर से काहे में दिमाग खपा रहा है? ऐसा कौन सा काम है वेणी जो तुझे खाने पीने की भी फिक्र नहीं? बोलना। नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ माँ। नौकरी? कैसी नौकरी? अपनी नौकरी माँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? अब तक ठीक नहीं था माँ, अगर होता तो अपने घर की पिताजी की परेशानियां समझने में मुझे इतना वक्त नहीं लगता। कितने शर्म की बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी पिताजी नौकरी कर रहे हैं, मैं आराम से पढ़ाई लिखाई। क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? मेरे सामने कहा सुकहा, पिताजी के सामने कभी न कहना। मालूम है तुझे डॉक्टर बनाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। लेकिन मां मैं नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है बस, और सब कुछ सोचने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बनना है बस, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो लंच में आने वाली थी। लंच में छुट्टी मिले तब ना, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, क्या करूँ। अरे
तो छोड़ क्यों नहीं देती ऐसी नौकरी? छोड़ तो दूं, पर घर कैसे चलेगा? माँ का क्या होगा और पिंकी का क्या होगा? तो फिर ठीक है, शादी के ही लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। काश सब कुछ सचमुच ठीक हो पाता, ये सब इतना आसान नहीं। जब तक पिंकी बीए नहीं कर लेती, मैं माँ को किसके सहारे छोड़ दूं? और तुमने तो बताया था, तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे पिताजी रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, और ऊपर से मैं भी आकर बोझ बनूं? तुम ठीक कहती हो सुपर्णा, ये बात मुझे सोचनी चाहिए थी। आखिर मैं खुद भी तो पिताजी पे बोझ हूं। अच्छा हुआ सुपर्णा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। चलो। बड़े परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? ऑफिस में कुछ? अरे हाँ, आज तो तनख्वाह मिली होगी। नहीं ली। क्यों? महीना तो खत्म हो चुका है, तनख्वाह क्यों नहीं मिली? मिल रही थी, मैंने ली नहीं। मैंने की फीस भरनी है, मकान के पैसे देने हैं। तो मैं बेच दूं अपने आप को, अपना समीर बेच दूं, चोरी कर लूं? आज तक किसी की हिम्मत हुई है कि अंबिका प्रसाद की तरफ उंगली उठाया कह के ये झूठ बोल रहा है? चोर कहीं के। मगर हुआ क्या? अरे तुम क्या जानो भोली, 400 रुपए तनख्वाह देंगे और दस्तखत कराएंगे 800 पे, और ऊपर से कहते हैं कि नौकरी का नीट करो वरना जाओ। अंधेर मचा रखी सालों ने, चोर। तुम्हें भूख लगी होगी तो कपड़े बदल के हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूं। इतने सारे बिल, सोगे नहीं? वेणी का इम्तिहान कब शुरू होगा? 6 तारीख को। मैं सोच रहा हूं कि जाके तनख्वाह ले ही लूं। तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? मिश्रा जी ने तो कल अपनी तनख्वाह ही नहीं ली। अरे भाई, मिश्रा जी को पैसे की क्या परवाह, खुद का मकान बनवा रहे हैं, लड़का डॉक्टर बनने वाला है, ये तो बस टाइम पास करने के लिए यहां आते हैं। मैंने की फीस भरनी है, मकान के पैसे देने हैं,
रमेश, ये अब कहाँ चल दिए? लगता है इस्तीफा देने जा रहे हैं। मान गए पंडित जी, दस्तखत कर दीजिए। ये लीजिए, एक, दो, तीन, चार, बराबर देख लीजिएगा। राम राम मालिक। राम राम। आर्किटेक्ट साहब आइए। मिश्रा जी, भाई मैं देख रहा हूं कि आप बिल पे बिल तो दिए जा रहे हैं और उस मकान पे काम आगे बढ़ता ही नहीं। अभी तक वहां पानी भरा हुआ है। दो तीन दिन पानी और भरा रहेगा मिश्रा जी। क्यों? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उतना तो लगेगा ही। चड्डा साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पास वक्त समय बिल्कुल नहीं है। आप ऊपर का काम शुरू कर दीजिए ना। आप समझते नहीं है, छत गिर जाएगी। क्यों? कोई छत नहीं गिरती। आप शुरू कीजिए काम। ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं कल से शुरू करवा देता हूँ। लीजिए 400 रुपए। तैयारी अच्छी हुई है ना? आशीर्वाद दो माँ। सफल रहो। बेटी। जी थेरो बेटे, आज खूब मन लगा के पेपर देना। जी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाओ। जी। अथो जीव सरदा सतम मा ओम देव शांति रंत्र शुगम शांति पृथ्वी शांति रोगधया शांति वनपतया शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति सामा शांति रेधि। पंडित जी ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया। बहुत अच्छा, और खर्चा भी काफी किया। मोहन, हेलो भाई, ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अच्छा, आ बेटे रमेश, ये लो, ये तुम लो। विद्याधर जी, आपका मुंह मीठा करूं। बधाई हो, बधाई हो मिश्रा जी। अरे आप हमारी तरफ आए ही नहीं। अरे वो कन्वे चले गए तो हम गैर हो गए क्या? अरे आप गैर कैसे हो सकते हैं, मकान मकान के चक्कर में फंसे हुए थे। आएंगे आएंगे, भूलना नहीं। बेटे राजेश तुम भी लो, ये लो, ले बेटे। और विनोद ले, तू ले। बोला संभाल के। इसको इधर ही रखना। हाँ, रखो। संभाल के। भाई जरा खींची। माँ देखना सीधी तो है। हाँ। माँ जी, ये सामान बेड़ी साहब के रूम में रख रहा हूँ। माँ देखना मेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ। 9:25। क्या माँ, पिताजी ने घर तो नया बनवा लिया लेकिन घड़ी वही की वही। तुम्हारे दादाजी की निशानी जो है। दादाजी। तो फिर जनाब, आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे? बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक बार मैं तुम्हारा नाम एग्जाम पेपर में लिखने ही वाला था। वो तो अच्छा लाजमो तो ख्याल आ गया, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाते। कहीं एग्जाम्स में मेरे बारे में ना लिख देना, मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे क्या करूं,
कभी तुम ख्यालों से जाती ही नहीं? नहीं, झूठ बोलते हो। झूठ नहीं सर। अच्छा तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आता? ऑफिस में जब काम करती हूँ सिर्फ ऑफिस का काम करती हूँ। जरा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा। ये तुम्हारे गाल पे कुछ लगा हुआ है। डॉक्टर हो ना, इसलिए ऐसी चीजें जल्दी नजर आती हैं। अभी कहा बना हो डॉक्टर। अच्छा ये बताओ, ये क्या किताब पढ़ रही हो? The recipients of all my worldly possessions shall be my Shanti and my son Beni. बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, क्या है? वसीयतनामा। वसीयत? वसीयत क्यों? अरे मैंने सोचा ये काम भी कर ही डालो, मौत का क्या भरोसा। क्यों ऐसी बातें करते हो? वेनिस हो गया? नहीं पढ़ रहा है, कल आखिरी पेपर है ना। शांति, मैं सोच रहा हूँ कि अब वेणी की शादी कर ही डालूं। पहले उसे डॉक्टर तो बन जाने दो, फिर लड़की भी तो ढूंढ ली। अरे लड़की मैंने ढूंढ ली है, बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ, और वेणी को भी पसंद है। आप दोनों ही क्यों, मैं भी देखूंगी। अरे तुम भी देख लेना। अच्छा माँ। वेणी जी। पिताजी परीक्षा खत्म हो गई? जी हाँ। तो फिर आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? किसी दोस्त से मिलने जा रहे होगे? जी जी हाँ। कुछ काम था पिताजी? हाँ कहिए। अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो ना? जी। ये अपने दोस्त को दे देना, खुश हो जाएगी। पिताजी अच्छी लड़की है। सुपर्णा। अरे अच्छे भले डॉक्टर आज ये कवि कैसे बन गए? इसका क्रेडिट मुझे नहीं पिताजी को जाता है। क्या मतलब? मतलब ये बुद्धू कि तुम पास हो गई हो। पता नहीं कब पिताजी ने हमें मिलते हुए देख लिया, और आज जब मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रहा था तो ये फूल मेरे हाथ में तुम्हें देने के लिए थमा दिया। कुछ समझी मिसेस वेणी प्रसाद मिश्रा? अभी आपको डिग्री नहीं मिली है। मिस्टर वेणी प्रसाद मिश्रा। भगवान ब्रज देखन को चली री, भगवान ब्रज देखन को चली री, भगवान नहीं नहीं हाँ? अरे ये कैप क्यों उतारते हो? इस पोशाक में देखने की मेरी बड़ी तमन्ना थी। मैं कोई अंदाजा नहीं बेटे वेणी कि यार तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। पिताजी इसके असली हकदार तो आप हैं, मैं नहीं। हाँ भाई, वो तुम्हारी फ्रेंड कैसी है? ओ पिताजी। अरे शर्माते क्यों हो भाई, ये करो, बड़ी अच्छी लड़की है कि एक दिन उसको घर पे ले आओ ताकि तुम्हारी माँ भी तो देख ले उसे। हा? जी अगर आप कहें तो कर ले आऊं। हाँ कर ले आऊं। वीपी मिश्रा। माली चाचा ये तो देख भी नहीं रहे, क्या कहूं। माली चाचा। हाँ ये वेणी जी का घर है।
हाँ हाँ बिटिया, डॉक्टर बेनी प्रसाद का घर यह हो। आओ चला आवा आवा आवा। ई है आवा, अंदर आवा। हर बैठा ई देखा, ई फूल हमरे बगीचे के हैं। माँ उसे आने तो दो, इतनी अच्छी लड़की है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। रहने दे रहने दे, बड़ी तारीफ किए जा रहा है। देखो तुम्हारी इतनी सेवा। वेणी कोई पेशेंट आया तुम्हारा। पेशेंट? हाँ पेशेंट, जाओ ना, इंतजार कर रहा है वो। पेशेंट पेशेंट कोई नहीं आया, वो आई है। कौन वो? अरे वो कहिए क्या तकलीफ है? अरे वेणी तसल्ली होगी कि तुम्हारे घर है, शुक्र है। तुम कब आई? बहुत देर हो गई, तुम इतनी देर से कहाँ थे? अरे मैं यहाँ बैठे बैठे डर रही थी। डरने की क्या बात है, दुनिया के सभी माँ बाप एक जैसे होते हैं, और फिर मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। She'll really like you. मुझे माँ नहीं समझ बैठी। तभी मैं कहा करती थी ऐसे गंदे कपड़े मत पहना करो। अच्छा। जा रही हूँ। वेणी माँ, माँ ये है सुपर्णा। चुप चुप जियो बेटी, बैठो ना। क्या तुम भी वेणी के साथ कॉलेज में पढ़ती हो? नहीं माँ जी, पढ़ाई तो कब की छूट चुकी है। हाँ माँ, इसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, अकेली माँ काम कर करके कहाँ तक पढ़ाती। तो क्या हुआ, मैं भी कौन सी बीए में हूँ। बेटी लड़कियों को तो असली डिग्री घर संसार संभालने पर मिलती है। फिर तो माँ तुम इसे फौरन डिग्री दे डालो। बीमार माँ की देखभाल करती है, छोटी बहन को कॉलेज भेजती है, और खुद काम करके घर चलाती है। शाबाश बेटी, तुम्हें देखकर मन खुश हो गया। मैं अभी आई। क्या जरूरी था इतना बोलना? अरे तो सच्ची तो कहा पिताजी। हाँ ये है सुपर्णा। जानता हूँ जानता हूँ, तो बचवा ये है तुम्हारी दोस्त। जी सदा सुखी रहो बेटी। मैंने इस गधे से कितनी दफा कहा है कि भाई बुला ले तू घर पे, मगर अकल ही नहीं है, सुनता ही नहीं हमारी। माली का बेटा है ना, जल्दी अकल कैसे आएगी। माली अच्छी तरह से पहचान लो, यही माली तुम्हारे ससुर बनने वाले हैं। उसे गलती होगी बाबूजी। अरे कमाल, इसमें गलती क्या बात है, हमें तो बड़ा मजा आया। अच्छा देखो अब इनको घर ले जाओ और वहां जाके छोड़ आओ, और इनकी माँ से कहना कि कल हम लोग आ रहे हैं। जी पिताजी। जब जा नमस्कार। कौन? ओ मिश्रा जी। जी बैठिए बैठिए। वो वेणी और सुपर्णा की वेणी और सुपर्णा की कुंडलिया में आपको दे गया था, देखी आपने? बैठिए 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 ना। हाँ शनि मंगल बुध राहु केतु गुरु। मिश्रा जी। जी। इस महीने में एक ही लग्न निकलता है, 12 अक्टूबर रात को 12:55 पर। 12:55? हाँ। वो तो 13 हो गई। 13? हाँ। वो अंग्रेजी में होता होगा, हमारे शास्त्र में तो प्रातः काल 4 तिथि बदलती है। पर 13? 13 को तो बुढ़ा। पंडित जी कोई और तारीख नहीं निकाल सकते आप? यही कोई 10-15 दिन पहले की। मैंने बहुत हिसाब लगाया मिश्रा जी। हाँ। और कोई तिथि नहीं निकलती। ये देखिए ना, शुक्र अस्त है, शनि वक्री है, जो वर और वधु दोनों के लिए अनिष्टकारक है, इसीलिए इस तिथि के सिवाय और विवाह का कोई लग्न नहीं निकलता। और कोई तिथि नहीं निकलती, शुक्र अस्त है, शनि वक्री है, जो वर और वधु दोनों के लिए अनिष्टकारक है, इसीलिए इस तिथि के सिवाय और विवाह का कोई लग्न नहीं निकलता।
क्यों नींद नहीं आ रही है? वैनी के लगन की तारीख सुपर्णा के घर भिजवा दी? हाँ, आज शाम को ही मैंने उन्हें बता दिया था। चलो एक काम से निपट गया, अब अफसोस सिर्फ एक बात का रह जाएगा कि काश वेणी को अच्छी तरह खाता कमाता देख पाता। देखो जी, ऐसी बातें मुझसे मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे खासे हो, क्यों बेकार की बातें सोचकर अपना मन खराब करते हो? जिंदगी का क्या भरोसा है? अब अपने करवे ही को ले लो, अच्छा खासा था, हमारे यहां चाय पीने आ रहा था। मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बातें। अरे नाराज क्यों होती हो शांति, एक दिन तो सबको ही जाना है। क्यों मुझे रुलाने पर तुले हो? बात क्या है, सच सच बताओ। तुम्हें मेरी कसम, इतना लगाव ठीक नहीं शांति। अब मैं तुम्हें क्या खाना परोस, तो बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ चलो, वेणी की शादी का काम भी निपट ही गया। अंबिका प्रसाद, आज हनीमून पे जाएगा ना? वेणी, जाने की तैयारी करो। अरे आज तारीख नहीं बदली, मैं ही बदल देती हूं। क्यों नाराज नहीं हुए? पहले तो कैलेंडर को छूने भी नहीं देते थे। शांति यहाँ आओ। कहो। देखो मंगतराम जेवर वाले के पैसे ये हैं, देव साड़ी वाले की ये, राशन वाले राम प्रसाद की ये, और देविका धोबी के 81 रुपए ये हैं, और भोला राम को 50 रुपए दे देना, और उसके बाद जो कुछ बचे अपने अकाउंट में रखवा लेना। अगर हो सके तो आज ही करवा लेना। आज ही क्यों, कोई भागा जा रहा है? बहस मत करो शांति, आज ही करवा दो। ठीक है, और कुछ? हाँ, अगर आज शाम का खाना सब लोग 8 बजे से पहले खा लें तो अच्छा होगा। ठीक है। वेणी जी, आपने बुलाया पिताजी? हाँ बेटे, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा कि तुम आज जाओ, आज तुम लोग यहीं रह जाओ मेरी आंखों के सामने, मेरे बिल्कुल करीब। हनीमून के लिए कल चले जाना। ठीक है, जैसा आप चाहे पिताजी। पोस्टमैन,
जरूर अच्छी खबर होगी डॉक्टर बाबू, मिठाई खिलाएगा जरूर। माँ, 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 बात क्या है? ये चिट्ठी देखो, मशहूर सर्जन डॉक्टर जयवंत ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। ये तो बहू के आने से हुआ है, बड़ी भाग्यशाली है अपनी सुपर्णा। जा जाके उसे बता, मुझे हाँ। क्या बता रहा है। बाबूजी अंदर आइए ना। क्या पढ़ रही जी? ये वो मुझे मालूम है, वेणी को डॉक्टर जयवंत ने बुलाया है ना? जी। तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी बन के आई हो। बैठो बैठो। बेटी मैंने आज तुम लोगों के टिकट जो कैंसिल करवा दिए ना, उसकी माफी चाहता हूं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं, शायद इसी में सबकी भलाई हो। बेटी हमने जैसे तैसे बना, इस घर को सेंत के रखा, अब इसे तुम्हें चलाना पड़ेगा। बस एक विनती है कि वेणी और वेणी की मां का ख्याल रखना। बाबूजी, मैंने बचपन से बाबा को कभी देखा नहीं, इसलिए शायद कभी उनकी याद नहीं आई, लेकिन आज आपके बातें सुनकर उनकी याद बहुत आ रही है। अंबिका प्रसाद, लगता है मेरी ही राह देख रहे थे। नहीं तो आ रहे हो ना?
मुझे माफ करो, मुझ पे दया करो, मुझे कुछ दिन और जीने दो। क्यों, 3 वर्ष पूरे नहीं पड़े? देखो मेरे बेटे वेणी की प्रैक्टिस अभी जमी नहीं है और आज ही तो बहू घर आई है। इतनी अच्छी बहू मिली और क्या चाहिए? अरे वो बहू ही तो कारण है। आज लोग कहते हैं कितनी भाग्यवान है, कितनी अच्छी बहू है, लक्ष्मी है, और कल वही लोग कहेंगे कितनी मनहूस बहू है, आते ही ससुर को खा गई। और फिर मुझे 2 घड़ी आराम भी तो नहीं मिला। आराम ही तो देने आया हूं अंबिका प्रसाद। नहीं, अंबिका प्रसाद की हैसियत से इस नए घर में कुछ दिन और रहने दो। क्यों इतना मोह इस पुराने शरीर से? क्या तुम्हारे सीधे साधे जीवन में पाप नहीं बढ़ने लगा है? क्या किया मैंने? करवे के वो 3 वर्ष और 400 के 800। अगले जन्म में मैं सब चुका दूंगा, ज्यादा नहीं, बस बस 1 साल मुझे और दे दो। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, जो हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है? और बढ़ाऊं तुम्हारा पाप? देखो पाप और पुण्य के तराजू में मुझे ना तोलो, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, कमजोरियों से बंधा हुआ। मैं तुम्हारे पाप पढ़ता हूं। अगले वर्ष एक डाकू की तिथि है, डाकू से तो अच्छा है तुम ही जीवित रहो। किंतु एक समस्या है। क्या? डाकू के हाथों धोखे से एक हत्या होनी है और उस आत्मा की भी मुझे आवश्यकता होगी। फिर डाकू की मृत्यु भी कुछ अच्छी नहीं। मुझे मंजूर है। ठीक है, किंतु याद रहे अगले वर्ष यही तिथि ठीक इसी समय तैयार रहना। कुछ नहीं, सुपर्णा को तकिया उधर रखना। मां संभाल के आराम से। पिताजी सुपर्णा जरा मेरा बैग लाना। फिर से दिल का दौरा? हाँ मां। अब आपकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। अरे पहले से अच्छी क्यों नहीं होगी, कल तो मैंने तुम दोनों को मना कर दिया हनीमून पे जाने के लिए, आज भी मना कर दूंगा क्या? नहीं पिताजी नहीं, आपको इस हालत में छोड़ के हम नहीं जा सकते। अब अगर कल मैं चला जाता और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। हट पगले, मुझे कुछ नहीं होता। भाई देखो मैं तुम्हारे बेटे से कह रहा हूं कि तू हनीमून के लिए चला जा, मगर यह कह मानता ही नहीं। मां तुम ही नहीं समझा, इस हालत में मैंने छोड़ के कैसे जा सकता हूं? चल पगले, मुझे कुछ नहीं होने वाला, शांति तुम ही मनाओ ना अपने बेटे को। नहीं पिताजी नहीं। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना कि कम से कम 1 साल तक बुढ़ा नहीं आएगा। बुढ़ा? कौन बुढ़ा? तुम समझाओ अपनी मां को। ठीक है बेनी, अगर वो कह रहे हैं तो चले जाओ, मैं भी तो हूं यहां, तुम चिंता मत करो। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। जा तैयारी कर ले। दूध पी लीजिए। जी लाइए।
शांति, मुझे बाहर के कमरे में जाके बिठा दे, मेरा दिल बहल जाएगा। पहले दूध तो पी लीजिए। यहाँ बैठिए। थोड़ा भारी है। संभल के लाओ इधर तुम। चलते बाबूजी। पिताजी। अच्छा मैं जी। संभाल के रहना। जी। अपना ध्यान रखिएगा पिताजी। अरे मेरी चिंता ना कर। Go, enjoy your honeymoon. अच्छा माँ। Go. हाँ सुना है वहाँ ठंड बहुत है, गरम कपड़े ले लिए ना? अरे माँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। Go. और अब बुढ़ा बुढ़ी अकेले। बैठो आराम से बैठो। शांति तुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी? जब हमारी शादी हुई थी तो हमने भी घूमने का एक प्रोग्राम बनाया था। याद है, अच्छी तरह से याद है। तुमने मुझे माँ के घर भेजकर कहा था बायोस्कोप जाते वक्त मैं तुम्हें साथ लेते जाऊंगा। मैं नई साड़ी पहनकर दिन भर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम आए रात के 12 बजे। मगर मैं करता भी क्या। अचानक उसी दिन चाचा जी ने 2 टिकट नाटक के लिए खरीद लिए थे, वो तो अपनी दुकान मुझे सुपुर्द करके चले गए और मैं बैठा मक्खियां मारता रहा। और तुझे याद है कि पूरे 1 हफ्ते तू मुझसे नहीं बोली थी? बस चलता तो उम्र भर नहीं बोलती। अच्छा सच? हाँ। तो वेनी हनीमून के लिए कैसे जाता? शर्म नहीं आती? शांति मेरा मन करता है कि आज हम भी उस दिन की कसर पूरी कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि टैक्सी में जाएं, घूमें वूमें, कोई सिनेमा देखें। कैसी बातें करते हो, तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, बेनी ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। शांति तू मुझे आड़ न रोक, फिर पता नहीं ये मौका आए ना आए। चलिए आप बैठिए। संभाल के। अरे तू चिंता ना कर। आ भी आ ना। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? क्या याद है जब शादी के बाद पहली बार हम घूमने निकले थे? सुबह से शाम तक पैदल चलाया था, पैदल चल चल के पैरों का कचुमर निकल गया था, और जब डरते डरते मैंने टैक्सी करने को कहा था तो भरी सड़क पर डांटते हुए कहा था कि फिजूल खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ना, ना, ना। छोड़ो उन गड़े मुर्दों को,
आज मैं सब ऐसी पुरानी बातों को भूल जाना चाहता हूं और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। जितने भी दिन हैं, जितने भी दिन रह गए हैं, उनका हर क्षण मैं पूरी तरह से जीना चाहता हूं। तुम कहती थी ना कि मैं नौकरी छोड़ दूं, तो लो अगले महीने की पहली तारीख और मैंने रिजाइन किया। भाई अब सारे फर्ज तो पूरे हो गए हैं, अब तो मैं एक निश्चिंत जीवन बिताना चाहता हूं। लीजिए पंडित जी, दस्तखत कीजिए। सेठ जी से कह दीजिएगा कि अंबिका प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया। लेडीज फर्स्ट। ओके गो। थैंक यू। यू वेलकम। माँ। पिताजी। आ गए वेणी। कैसी हो माँ? जीती रहो, जीते रहो। सफर से थक गए होगे? तुम दोनों आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे आप हमारी तरफ आए ही नहीं, वो कनवे चले गए तो हम गैर हो गए क्या? अभी ही जाने दूंगा, कितने इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा जी, अरे आप हमारी तरफ आए ही नहीं। सच? नहीं। पश्चिम से कैसे निकला? कैसे निकला? विद्याधर, हमने कहा था कि हम एक दिन आवेंगे, तो आ गए। क्या बात है, रंग तो अब जमेगा। क्यों दोस्तों, भर दूं आपके लिए? भर दो तो हो जाए पंडित जी। मुझे बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है, पहले तो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहे। माँ,
तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? कहीं जरूरी काम से फंस गए होंगे? नहीं बेटे, पता नहीं बड़ी बेचैनी से महसूस हो रही है। भैया क्या बात है संजय? भैया अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई और दादा भी घर में नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ देने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं भी आता हूँ। अच्छा मुझे एक जरूरी विजिट पे जाना है। माँ जी। माँ अब मैं बाहर जा ही रहा हूँ तो पिताजी के बारे में पता करता हूँ। सुपर्णा तुम माँ को सुला देना। चलिए। कौन आ मरा है? मैं देखता हूँ अभी सालों को। कौन है? सुबह की सफेदी मुन्नी भाई। मुन्नी भाई, सुबह की सफेदी मुन्नी। मुन्नी जरा बाहर तो आते। अरे भगा दो सबको। आओ ना मुन्नी, ये सब तेरे चाहने वाले हैं। क्या कहते हैं मेरे चाहने वालों के? मुन्नी भाई, सुबह की सफेदी। सालों में एक हाथ ऐसा मारूंगा कि सुबह की सफेदी रात के काले में बदल जाएगी। मुन्नी मेरी है, सिर्फ मेरी। पंडित मेरे चाहने वाले। चाहने वाले। चाचा जी यहाँ? बस छोटा ही, मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंचा देता हूँ। भैया माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। जी। अरे विनोद कहाँ थे तुम? आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुलाना पड़ा। एनीवे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? संजय तुम बाहर जाओ। यार विनी एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे पिताजी आई मीन अंकल की तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ पिताजी को? कुछ नहीं, वो सीढ़ियों में धोती उलझ गई थी, गिर पड़े थे, माथे से थोड़ा खून निकल आया। खून? देखो मैं कुछ समझा नहीं। यार समझा तो मैं भी नहीं, लेकिन अंकल उस बदनाम मोहल्ले में क्या कर रहे थे? बदनाम? तुमने ठीक तो देखा। बाबूजी, आज आपने बहुत देर कर दी। विनी की माँ कहाँ है बेटी? सो रही है। आज आप बिना बताए इतनी देर घर से बाहर रहे, उनकी घबराहट से तबीयत खराब होगी। उन्होंने दवा देकर सुला दिया। जगा दूँ क्या? नहीं नहीं रहने दो। खाना लगा दो। विनी खा चुका? नहीं, विजिट पर गए हैं, कह रहे थे आकर खाऊंगा। अच्छा तो मैं भी उसी के साथ खा लूंगा। जी
बेटी तुम आ गए। मैं देख रहा हूं कि रोजाना तुम रात गए आते हो विजिट से, अच्छा है, मगर अपनी सेहत का भी तो ख्याल कर लिया करो। वेणी, वेणी, बाबूजी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। वो आपको बुलाते रहे और आप बिना उनके बात के जवाब दिए अंदर आ गए। ये उनकी बेइज्जती है। बेइज्जती? बेइज्जती तो आज मेरी वो हुई है, लगता है चलो भर पानी में डूब मरूं। और तुम मुझे नसीहत दे रही हो? खबरदार, जो आइंदा कभी मेरी बात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की। दखल अंदाजी? वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे भी पिता है। नहीं, वेणी, अरे अरे वेणी, ये बहू को क्या कह रहे हो? आप चुप रहिए पिताजी। अगर उल्टी सीधी जगह जाने से आपको फुर्सत मिल गई हो तो जाइए, जाके आराम कीजिए। आपको दो हार्ट अटैक हो चुके। सुपर्णा, ए सुपर्णा, नहीं बोलोगी? खाना भी नहीं खिलाओगी? देखो बड़ी जोर की भूख लगी है, लेकिन अब गलती की है तो ठीक है, भूखा ही सो जाता हूं। ठहरो, खाना लगा देती हूं। लुक, आई एम रियली सॉरी। पिताजी खा चुके? आप ही का इंतजार कर रहे थे। ओह माय गॉड, ठीक है तो ये थाली उन्हीं के लिए लगा लेते हैं, मेरे लिए तुम एक और परोस देना। एक मिनट। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पिताजी आप अपने लिए ना सही, हम लोगों के लिए तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हम आपको खोना नहीं चाहते। सुपर्णा, मेरा बैग तो लाना। पहले बाबूजी को अंदर तो ले आओ। अरे भाई भोला, भोला, भोला किसी काम से गया है, थक गए? सारी थकान अभी दूर हो जाएगी जब आप सुनेंगे कि आप दादा बनने वाले हैं। अरे वाह, आज तो बड़ा आराम फरमाया जा रहा है, क्या बात है? मुझे क्या मालूम, मां ने कहा है ऐसी हालत में आराम किया जाता है, तुम भी जाके आराम करो। मैं मां की बात कैसे टाल दूं? ऐसी हालत में? सच?
चलो अच्छा हुआ, पिताजी का वक्त नहीं कटता, शायद इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरे साथ साथ तुमने उन पे भी एहसान कर डाला। दादा बनूंगा भी तो कितने दिनों के लिए? मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कट गई उम्र मेरी तो मुझे पता ये चला, कट गई उम्र मेरी तो मुझे पता ये चला, जिंदगी सिर्फ कटी है इसे जिया ही कहा, जिंदगी सिर्फ कटी है इसे जिया ही कहा, कट गई इन सब को छोड़ के चला जाऊं, मेरा वेणी, मेरी शांति, बहू। कब हुई भोर कहां और कहां शाम ढली, खो गए गीत मेरी सांसों में पीर पली, आस लेकर जो चला सारा सफर काट लिया, प्यास प्यासी ही रही है इसे पिया ही कहा, जिंदगी सिर्फ कटी है इसे जिया ही कहा, कट गई उम्र मेरी तो मुझे पता ये चला, और हाय फूल जैसा मेरा पोता। नाम तो बताओ। अतुल। अतुल। अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा। अच्छा मैम, बहुत अच्छा है। अतुल मिश्रा। चलिए अतुल मिश्रा जी, अपने दादाजी के पास चलिए। फिर से इस जिंदगी का पालना झूलाऊंगा, फिर से झूमूंगा जिंदगी के गीत गाऊंगा, मौत आकर के जिंदगी तो फिर मना, एक दिन और बचा है। इस बुड्ढे से छुटकारा कैसे मिलेगा? इस बुड्ढे को हमेशा हमेशा शांति खत्म कर करेंगे। मैं ले डाका डाका मारा डाका बुद्धे बोला जी मालिक। चाकू कहाँ मिलेगा? चाकू? हाँ चाकू। हाँ वो नुक्कड़ वाले अहमद भाई की दुकान पर। नुक्कड़ वाले अहमद भाई? क्या जी मालिक। तुम क्या ताक रहा है? जा जी मालिक। रंग के डब्बे आ गए भैया।
आधा वर्ष पंडित जी आइए, कुछ खरीदना है जी। कमाल है, आपने भोला को बेच दिया होता। भोला के बस की बात नहीं है, चाकू मिलेगा बाबूलाल? जरा पंडित जी के लिए चाकू ले आना। जी भैया। अरे जल्दी भैया, अभी लाया। ये देखिए पंडित जी, ये ठीक है। इसके दाम कितने हैं? 15 रुपए। बाबूलाल। हाँ। ये आज पंडित जी को क्या हो गया? क्यों बे बुड्ढे, आ गया तू? ऐसे काम नहीं चलेगा। आइए आइए, आप बहुत थक गए हैं। आइए बैठिए बैठिए। देखिए यहाँ, अभी तो मेरा चलते हैं और चाकू को यहाँ यहाँ बुड्ढा नहीं देख पाएगा। देखिए अब मैं आखिरी बार अपने बीवी बच्चों से मिला हूं, उसके बाद चलते हैं। यूं आए, चाकू यूं लिया, मुड़े और अभी आया। उसके बाद चाकू यूं खोला, ये खोला बाहर, उसके बाद फिर चाकू हाथ में लेके आइए चलिए। ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? डर गई तू? ये नाटक पाटक छोड़ो और चाकू मुझे दे दो। दे दो। शांति। सुनिए सुनिए, आज उठना नहीं है? हाँ उठना है, उठते। नहीं नहीं, आज मैं तारीख बदलूंगा। अरे हाँ, वेणी की शादी के बाद 1 साल तक आपने तारीख नहीं बदली, आज कैसे याद आया? बस। चाकू शांति ने कहाँ रखा था? मिल गया। सुबह ही सुबह जा रहे हो? क्यों, कोई खास बात है पिताजी? अरे कमाल है, कोई खास बात है पिताजी? तुम्हें मालूम है आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हुआ है, समझे? वो तो मुझे आज तुम्हारी शादी की वर्षगांठ है। मैं चाहता हूँ तुम पार्टी दो, अपने दोस्तों को बुलवाओ, बैंड बाजा बजवाओ। लेकिन पिताजी खर्चा? खर्चे को छोड़ो, रंगलिया मनाओ। तो ठीक है, मैं अपने क्लिनिक नहीं जाता। को भी आज ही बंद होना था। वेणी, टाइम क्या हुआ बेटे? 5:30 पिताजी। 3, 4
अभी कुछ समय है। पिताजी, पिताजी काम मुझ पे छोड़ दिया कीजिए, अगर आप गिर जाते तो। देखिए ये मैं आपके लिए क्या लाया हूं। 8 मिनट के 13 मिनट। ए सावंत, वो कुर्सियां उठा के लाओ, इनको एक लाइन में, वो भी उठा के लाओ। भोला जी। भैया खाना तैयार हुआ या नहीं? बस अभी हो रहा है जी। अरे भाई जल्दी करो जी। अच्छा। अरे भाई लाइन से। जी साहब। अरे भोला इधर आओ। जी विनोद साहब नमस्ते। नमस्ते। जरा इन मेहमानों को कुछ ठंडा गर्म तो पिलाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और सुनो बेड़ी को बोलना कि उनके कुछ डॉक्टर दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। बिल्कुल ठीक है। आ बेटे। अली मिली मुन्नो आप भी जल्दी आओ। तुम चलो हम आते। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी चलो ना। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें इस मंगलसूत्र की आशा। हाँ पर हमारे पंडित जी नजर नहीं आ रहे आज। बहू है बेटा है अब तो पोता भी हो गया। लीजिए तो फ्रिज जी एक बात और खाइए। क्या बात है क्या बात है। अच्छा मुन्ने पंडित जी की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। घर बन गया, बेटा डॉक्टर हो गया और अब तो दादा भी बन गए। अकेले क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? सर्दी लग रही है लगता बुखार से। बेटे रहने दो। माँ आप ये ओढ़ लो, ओढ़ लो। बेटे तेरे पिताजी अभी तक। माँ मैं अभी उनको देख के आता हूँ। बेटा बेटी सुनो तो। माँ एक मिनट। अच्छा बात कर रहे हैं।
अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे अंबिका प्रसाद। तुम मृत्यु को मारने चले थे मूर्ख, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मगर तुम्हारा समय तो बीत चुका। मुझे तुम्हारी योजना का ज्ञान था, मैंने ही वेणी की आवाज में समय बताकर घड़ी 10 मिनट आगे करवा दी थी। मैंने कहा था ना, इस डाकू के हाथों धोखे से खून होना है। तुम्हें 2 मौके मिले, तुम नहीं माने, उल्टे बुरे कर्मों में धंसते चले गए, यहां तक कि आज तुम हत्यारे बन गए। अगर तू इसे देख लेता तो कम से कम इस महापाप से बच जाता। क्यों, कुछ वर्ष और जीना नहीं चाहते? तुमने अपनी मौत अपने आप ही निश्चित की है अंबिका प्रसाद, एक डाकू की मौत। मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे अपने साथ ले ले चलो। Shanti.